आटा गूंद रहा हूँ, बस शिकार के लिए निकलने वाले हैं। तो हम लोग निकल रहे हैं, तो बस थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। बस देखिए, फाइनली गाइज हमने कटिया बनाने के लिए डंडी तोड़ ली है। यहाँ पे बहुत दिक्कत होता है, डंडा नहीं मिलता है, तो इसलिए हम लोग रास्ते में झाड़ से डंडा तोड़े हैं और जा रहे हैं अपने मिशन पे। बस कुछ ही समय में वहाँ पे हम लोग चौंक जाएंगे। वीडियो लास्ट एंड तक देखिएगा, मज़ा आएगा वीडियो में। रास्ते में देखिए ये क्या बीएमसी का पानी दिखाया जा रहा है, पाइप लगाया जा रहा है बीएमसी वाटर का। यहाँ पे ये टैंकर वाला पानी चलता है, बीएमसी का पानी आ जाएगा टैंकर ऊपर तो बंद। शिकार के इतने शौकीन है कि हम लोग नाला सुपारा से नाए गांव तक की दूरी 8 किलोमीटर, हम लोग रोज डेली शिकार खेलने 8 किलोमीटर की दूरी तय करके आते। सॉरी गाइस, जैसा कि पता चला कि अभी 15 किलोमीटर की दूरी पड़ती है और दोनों अप डाउन 30 किलोमीटर का दूरी हो जाता है। यहाँ हम लोग बस पहुँचने ही वाले अपने मिशन पे, नायगांव मछली का स्पॉट एरिया माना जाता है। जैसा कि पता है आप लोगों को, ये नायगांव मछली मछली मार्केट बहुत बड़ी है नायगांव की, मुंबई की नायगांव। एक दिन मैं आपको वहाँ का भी ब्लॉगिंग दिखाऊंगा मार्केट का। बस हम लोग पहुँच रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, बस पहुँचने ही वाले हैं। बस देखते रहिए वीडियो आगे, मज़ा ही आएगा आपको, बोर नहीं होंगे आप। ये सनटेक एरिया आता है, उसके बाद ही आ जाएगा मछली वाला एरिया। आगे रेलवे क्रॉसिंग है, लगता है रेलवे क्रॉसिंग फ्री है, खुला है। चल चलते हैं जल्दी से, झटपट निकल जाएंगे। ऑटो यार, ऑटो ऑटो। तो आगे देख लीजिए, रेलवे क्रॉसिंग के करीब आ चुके हम लोग। अब ये क्रॉस करके हम लोग बस अपने, देखिए तो गाइस, नायगांव का सनटेक एरिया हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। अभी क्रॉस करने के बाद ही जस्ट बगल में ही पड़ता है वो जो पॉन्ड है, पॉन्ड जिसमें हम लोग मछली कैच करने जा रहे हैं, जो अभी सम टाइम के बाद दिखेगा वो पॉन्ड। सो देखिए, यही है सनटेक एरिया, अच्छी एरिया है नायगांव का। आगे हम लोग आ गए हैं, जहाँ देखिए हमारी पोखरी, यहीं पर हम लोग शिकार खेलते हैं, बड़ा मज़ा आएगा अभी थोड़ी देर बाद। पता है गाइज, आधा घंटा से हम लोग बैठे हुए हैं, एक भी शिकार अभी हाथ नहीं लगा। यार पता नहीं आज दिन कैसा है कि आज शिकार नहीं हो रहा है, देखते हैं क्या होता है। अपना काम तो कर रहे हैं, देने वाला तो ऊपर वाला है ना। ये भाई साहब मानेंगे शिकार करना, और हमें क्या करना है, हमें तो व्लॉगिंग करना ही करना है। शिकार हो या ना हो, व्लॉग तो बनना ही बनना है, आप लोग को दिखाना ही दिखाना है। तो देखिए बहुत बेहतरीन, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे देखिए, देखिए दिखाइए दिखाइए, बहुत ही अच्छा शिकार किया इन्होंने। और ये इस बल्टा में रखा जाएगा, बल्टा लेके आए हम लोग। और ये पूरा बल्टा देखिए, ये स्टार्ट हो रहा है, बहुत हार्ड बहुत हार्ड, लटका के झटका के तू तू लटका के इन्होंने एक निकाला। कौन सी मछली है? कवई, कवई, यू नो कवई, कवैये खा रही है, और कौन मछली खाए वाली नहीं है यार। तो बस वही मछली हम लोग पकड़ रहे हैं, देखा ना, अभी मतलब स्टार्ट है, अभी तो अभी एंडिंग बाकी है। आप देखिए पूरी बाल्टी भरेंगे हम लोग, ठीक है। सो तो देखा गाइज, ये बाल्टी खुली, देखिए कितनी मछली पकड़े हम लोग, कम से कम 1 किलो मछली हम लोग पकड़ लिए हैं। और अभी आगे देखते हैं, फिर अभी हम लोग ये बंद करके अभी हम लोग जा रहे हैं। ये भाई लोग अपना काम कर रहे हैं, ये वीडियो थोड़ा सा शूटिंग सही नहीं हुई इसकी, इसके लिए सॉरी। लेकिन आगे की जो एंडिंग है वो देखिएगा। अभी हम लोग जा रहे हैं, 1 किलो मछली पकड़ लिए हैं, अभी हम लोग घर पे जाएंगे, इसको बनाएंगे, फिर उसके बाद चहेटेंगे। तो फिर उसके बाद
आगे वीडियो चल रही है, कंटिन्यू। आगे देखिए हमने क्या क्या कहा है, सुनिए। हम लोग बैक टू होम हो रहे हैं अभी, इतना माल ले चुके हैं, सीधा अब हम लोग घर पे पहुंचेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, ऐसी वीडियो रोज़ इंटरेस्टिंग मिलेगी आपको। फाइनली गाइज हमने घर पे लेके आके मछली इतना बना चुका है, फर्स्ट ख़त्म हो गया। तो ऐसी वीडियोस रोज़ देखने के लिए हमारे इस व्लॉगिंग चैनल बुलेक्स गैंग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयर। थैंक यू।